जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। स्वागत है आप सभी का, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आने वाले एग्जामिनेशन में काफी मददगार साबित होंगे। आने वाले जितने भी सेशन गए उनमें काफी मददगार साबित होंगे। सबसे पहला सवाल, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सेफ एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अंडर द यूएन सिस्टम। यूएन सिस्टम के अंतर्गत इनमें से वो कौन सी संस्था है जिसका काम गया, जिसका कंसर्न गया कि पूरे विश्व में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है वो सेफ पर्पस से हो, वो पीसफुल पर्पस के लिए हो। इनमें से वो कौन सी संस्था है जो इसके लिए कंसर्न रखती है? तो इसका सही उत्तर गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, जिसका हेडक्वार्टर गया वियना में, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में जिसका हेडक्वार्टर गया, वहां पर IAEA लोकेटेड है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और याद रखिएगा 1957 में ये बनी थी, 1957 में ये बनी थी। मैं ये फाउंडिंग ईयर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्रोनोलॉजी के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बता देता हूं, 1961 लंदन में बनी, लंदन में इसका हेडक्वार्टर गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम है कि पूरे विश्व में जहां पर भी ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रखा गया, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रखा गया, वहां पर पूरे विश्व की नजर उस मानवाधिकार के उल्लंघन की तरफ लेकर जाना। और ये एक तरह की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगला सवाल यह है दोस्तों कि द सेक्रेटरी जनरल बनकी मून फ्रॉम साउथ कोरिया इज द, जो बनकी मून साउथ कोरिया के थे वे कौन से वे सेक्रेटरी जनरल थे, किसके? यूएन के। तो ये यूएन के 8वें सेक्रेटरी जनरल थे। इस वक्त यूएन के 9वें सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूटेरस। व्हाट इज एन एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये तो मैंने बता ही दिया। एनजीओ बनी कब? 1961। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन में है। नाउ इन 1992, 1992 में यूएन की जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया, रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। कुछ बातें आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म यह है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक बनी 1944 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ, जिसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है। तो दोस्तों, फाउंडिंग ईयर, डेट प्लस फुल फॉर्म और इनके हेडक्वार्टर को जरूर याद रखिएगा, इनके ऊपर सवाल निश्चित आएंगे। सिंपल फॉर्म में भी आ सकते हैं, क्रोनोलॉजी के फॉर्म में भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ सकते हैं। और इनके काम क्या है, जैसे यूनेस्को का काम क्या है, यूनिसेफ का काम क्या है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। एजर्शन रीजन में अक्सर इनके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग पीस, ये तो करेक्ट है भाई। 1918 में लीग ऑफ नेशन बनाया गया ताकि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन किया जा सके, मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, इसीलिए उसके बाद 1945 में 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन बनाया गया। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है कि पीस को मेंटेन करना। रीजन वाला स्टेटमेंट क्या है? कंट्री हैव कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस विद ईच अदर। रीजन भी ट्रू है कि दो मुल्कों का आपस में बैर हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकता है। उसी डिफरेंसेस को ओवरकम करने के लिए, ताकि ये डिफरेंसेस वॉर का रूप ना ले ले, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ हाउ मेनी स्टेट साइन यूएन चार्टर इन 1945? तो दोस्तों देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिनमें आपको ऑप्शन देखना होगा, क्योंकि आपकी किताब में दो जगह पर अलग अलग चीजें इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग दी हुई हैं। एक जगह दिया हुआ है कि 50 कंट्री ने सिग्नेचर किया था, और एक जगह दिया है कि टोटल 51 कंट्री ने सिग्नेचर किया था 1945 यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में। 51st कंट्री बनी थी आपकी पोलैंड। तो ये भी एक सवाल पूछ सकता है कि 51वीं कंट्री कौन सी बनी थी 1945 में, जिसने यूएन चार्टर पर साइन किया, तो वो थी पोलैंड।
लेकिन अगर इस तरह का सवाल आता है, अगर यही सवाल आता है और उसमें 50 ऑप्शन गए तो आप 50 के साथ जाएंगे, अगर 51 ऑप्शन गए तो आप 51 के साथ जाएंगे, दोनों ऑप्शन नहीं दे सकता। तो याद रखिएगा, इस सवाल को करते वक्त आपको पहले देखना पड़ेगा कि 50 कह रहा है कि 51 कह रहा है। अगर 50 है तो 50 के साथ जाओ, अगर 51 है तो 51 के साथ जाना। नाउ ऑल द मेंबर ऑफ द यूएन हैव वन वोट, हाउएवर द परमानेंट मेंबर कैन वोट इन नेगेटिव मैनर। ये तो करेक्ट है कि जितने भी यूएन के टोटल 193 मेंबर्स हैं, याद रखिएगा ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इस वक्त टोटल यूएन के 193 मेंबर्स हैं और सबके पास एक वोट करने का अधिकार है, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड चीन, ठीक है, सॉरी यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इन पांचों के पास वीटो पावर है और वो इस वीटो पावर का इस्तेमाल नेगेटिव मैनर में कर सकते हैं। अक्सर चाइना इंडिया के खिलाफ अपने वीटो पावर का इस्तेमाल नेगेटिव मैनर में करता है। जब जब ये बात उठती है कि इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए, रिमेनिंग 4 कंट्री पॉजिटिव मैनर में वोट करते हैं, अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, मगर चीन हमेशा नेगेटिव मैनर में इस्तेमाल करता है, विरोध करता है इंडिया के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने का। तो एजर्शन वाला स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट है, बट वॉट अबाउट द रीजन, द डेवलपिंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज एट मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये भी करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, आपको बताना है कि जो इंडिया क्लेम करता है किस तरह का, कि सिक्योरिटी काउंसिल में उसको परमानेंट सीट दी जाए, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग में इंडिया जो आर्ग्यूमेंट्स रखता है अपनी कि हमारे पास ये चीजें हैं, इसीलिए हम यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं, आपको बताना है इंडिया की वो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द क्लेम ऑफ इंडिया टू बी अ परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। India has made financial contribution to the UN and also faulted on its payment. ये incorrect है और यही इसका सही उत्तर होगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं और भी statement देख लें। India has emerged as an economic superpower on the world stage. Correct है, हम एक economic superpower गए पूरे विश्व पे। India has participated in virtually all of the initiative of the UN. UN के जितने भी initiative होते हैं India उनमें बढ़ चढ़कर participate करती है। India's role in the UN peacekeeping force is a long and substantial one. ये भी correct है। यूएन की पीस कीपिंग ऑपरेशन में यूएन हमेशा ये कहता है कि हमें इंडियन आर्मी का एक तबका चाहिए अपने यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में। तो दोस्तों यहां पर सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है और वही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नाउ इनमें से किस मैटर में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर डू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प, इनमें से किन मुद्दों में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है। टू establish बेटर लिविंग कंडीशन इन डेमोक्रेटिक कंट्री, करेक्ट है। इन मैटर्स ऑफ पीस एंड वॉर, ये भी करेक्ट है। टू प्रिवेंट वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये भी करेक्ट है। टू रिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ये भी करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ द अबव। द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड इन अ मैनर सो दैट दे रिप्रेजेंट ऑल द कॉन्टिनेंट्स। टोटल 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है, जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनको ऐसे चुना जाता है कि हर कॉन्टिनेंट से लोग रिप्रेजेंट करें। जैसे 2 एशिया से ले लिया, 2 यूरोप से ले लिया। इसका भी एक पूरा का पूरा फिगर है जो आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस याद रखिएगा कि ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो इस मैनर में इलेक्ट किए जाते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है पूरे वर्ल्ड के उनको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इनमें से कौन सी संस्था है जो ड्रॉज द ग्लोबल मीडियाज अटेंशन टू ह्यूमन राइट अब्यूजेस, ये है ह्यूमन राइट्स वॉच। जिस तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वायोलेशन को पूरे ग्लोबल मीडिया के सामने लेकर आती है, ठीक उसी तरह ह्यूमन राइट्स वॉच जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, उसका भी यही काम है टू ड्रॉ द ग्लोबल मीडियाज अटेंशन टू ह्यूमन राइट अब्यूजेस। नाउ आपको बताना है कि ये जो यूएन का सिंबल है या क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है वर्ल्ड पीस। नाउ विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सीटीबीटी, सीटीबीटी का सही फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी।
नाउ हाउ मच इज द टेन्योर ऑफ द जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जज होते हैं उनका टेन्योर कितने साल का होता है? उनका टेन्योर होता है 9 साल का, उनका कार्यकाल 9 साल का होता है और टोटल 15 जज होते हैं। याद रखिएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है हेग शहर, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। नाउ अगला सवाल, द यूएन इज एन, यूएन किस तरह की बॉडी है? यूएन एक तरह की इम्परफेक्ट बॉडी है। इंडिया अपोज द इनडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ द एनपीटी इन 1995। Who was the Secretary General of UN in 1997? General Kofi Annan. When was the UNESCO established? इनमें से किस दिन UNESCO बना? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि आप लोग भी अपनी नॉलेज को इस सवाल से चेक कर सकते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पेरिस में है। इसका फुल फॉर्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लोग बताइए कि इनमें से किस दिन यूएन का निर्माण हुआ था। Now, question number 19. The United Nations was not created to take humanity to the heaven, but to save it from the hell. Who made this statement? Dag Hammarskjold, इन्होंने ये statement दिया था, और ये बहुत ही important सवाल है। Question number 18. When was the UNESCO established? इसको comment box में लिखकर submit कीजिए और अपनी knowledge को check कीजिए। कोई भी doubt को, तो उसको भी आप comment box में लिखकर post कर सकते हैं। Next, on the reform of structures and processes, the biggest discussion has been on the functioning of Security Council. The UN agency concerned with the safety and the peaceful use of nuclear technology. देखिए ये सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसका सही उत्तर होगा International Atomic Energy Agency. What is the objective of the UN? To prevent international conflict and facilitate cooperation among states. ये correct है। To boost the trade among the member nations. ये काम WTO का है, World Trade Organization, जो आपका 1 जनवरी 1995 को बनी, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ओके, टू प्रोक्योर द बेस्ट मेडिकल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ पेंडेमिक, ये है WHO का काम, जो बना है 7 अप्रैल 1948 को, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कि यूएन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगला सवाल ये है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इनमें से कौन सा यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है? इसका सही उत्तर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1919 में ये संस्था बनी, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। एक बात याद रखिएगा, जितने भी यूएन के, आप कह सकते मैक्सिमम जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिसके एंड में ओ है। WHO जिनेवा, WTO जिनेवा, ILO जिनेवा, ठीक है, और इसके अलावा UNSCR जिनेवा, UNHRC जिनेवा। तो ये याद रखिएगा कि जिनेवा में मैक्सिमम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। नाउ अगला सवाल है दोस्तों, In 1992, the UN General Assembly adopted a resolution related to UN Security Council. Question number 25, international organizations solve the dispute among the countries. Yes, assertion ka statement correct hai. International organizations are helpful in many way. Nation can usually see that there are some things they must do together. There are issues that are so challenging that they can only be dealt But when everyone works separately, तो दोस्तों यहां पर रीजन वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीजन assertion को जस्टिफाई कर रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट को क्या करती है, सॉल्व करने की कोशिश करती है, क्योंकि हर कंट्री के सोचने का तरीका, हर कंट्री का मॉडस ऑपरेंडी अलग अलग होता है, और अक्सर एक कंट्री दूसरे कंट्री के मॉडस ऑपरेंडी को पसंद नहीं कर पाती है, जिस कारण की वजह से दिक्कत परेशानियां आती हैं। और यही काम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कि उसको सॉल्व करे, खासकर यूएन जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग इजराइल अटैक इन जून 2006। देखिए दोस्तों ये फोटो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में बनी हुई है,
लेकिन यहां पर आप ये देखिए, बी वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लार्ज नंबर ऑफ सिविलियंस वर सकम्ब्ड टू बम्बार्डमेंट फ्रॉम इजराइल, सेवरल पब्लिक बिल्डिंग्स एंड इवन रेसिडेंशियल एरियाज इन लेबनान वॉज डिस्ट्रॉयड, ये भी करेक्ट है। ड्यूरिंग जून 2006 इजराइल अटैक लेबनान सीरिया, देखिए दोस्तों सीरिया पर अटैक नहीं किया था, लेबनान पर अटैक किया था 2006 में, तो स्टेटमेंट नंबर ए इनकरेक्ट गए। और यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट बी और सी करेक्ट गए, तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता। तो देखा जाए तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही हैं। अगर यहां पर सीरिया नहीं होता तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होता। तो अच्छे से सवाल को पढ़िएगा तभी जाकर सोल्यूशन मिलेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन एनजीओ, जैसा कि मैं बता चुका हूं, 1961 की संस्था है, लंदन में हेडक्वार्टर गए, दैट कैंपेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एजर्शन का स्टेटमेंट करेक्ट है, इट प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ऑल द ह्यूमन राइट्स इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, रीजन भी करेक्ट है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ द यूएन इज नॉट अ ग्रेट बैलेंस टू द यूएस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द यूएन कैन एंड हैज सर्व टू ब्रिंग द यूएस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन टू डिस्कशन ओवर वेरियस इश्यूज, रीजन वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट रीजन एजर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। एज पर अप्रैल 2006 हाउ मेनी मेंबर्स डिड आईएमएफ हैव, तो सही उत्तर के दोस्तों 189। आईएमएफ जिसका हेडक्वार्टर गए वॉशिंगटन में। वॉट इज द रिप्रेजेंटेड बाई द कार्टून, इस कार्टून का सही आप लोग बताइए कि कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों ये कार्टून रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन दारफर सुदान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्टून है, इस कार्टून को अक्सर सीबीएसई आस्क करती है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को ये सारे सवाल पसंद आए होंगे, आप लोग इन सवालों की प्रैक्टिसेस कीजिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने क्लास 12th के लोगों को अगर जानते हैं, अगर उनका कोई भाई बहन है, कजन है, कोई भी है, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, अलविदा, टेक केयर।